स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल रंका इंग्लिश पे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बना रहे हैं जो कि अफर्मेटिव है। गोपी मिठाई खाता है। गोपी एक नाम है। अब गोपी खाता है तो वर्ब है यानी गोपी ईट्स। अब एस क्यों लगा इस पर भी बात करेंगे। मिठाई खाता है यानी कि स्वीट। गोपी ईट्स स्वीट। गोपी मिठाई खाता है। अब गोपी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और एक सब्जेक्ट है तो इसके साथ इसका जो भी वर्ब होगा उसके साथ एस या ईएस ऐड होगा। एस या ईएस लगने का मतलब ये नहीं कि ये सेंटेंस प्लूरल हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खाता है या कम खाता है इसका मतलब यहाँ नहीं है। गोपी ईट्स स्वीट क्योंकि इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का एक नियम है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन बस इतना ही होना है और फिर एस या ई एस ऐड होगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो यानी ही सी ईट कोई नाम हो गोपी राम श्याम कोई भी नाम हो सिंगुलर नाम होना चाहिए। दो नाम नहीं जैसे राम एंड श्याम मोहन एंड गोपी इस तरह से नहीं सिंगुलर नाम हो एक नाम हो तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। बाकी अगर सब्जेक्ट रहे आई वी यू दे इस तरह से रहेगा तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।